दिस इज़ कविता गुप्ता, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खेल खेल में इंग्लिश सीखें की सीरीज़ पढ़ाई अब बोझ नहीं। देखिए फ्रेंड्स, आप मेरी थीम से समझ गए होंगे मैंने ये थीम्स क्यों दी हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही, छोटी छोटी क्लासेस के बच्चे आते हैं मेरे पास, उनको मैंने स्टार्टिंग से ही हर चीज़ विजुलाइज़ करके लर्न कराया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से विजुलाइज़ करा के लर्न कराती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम स्टार्टिंग से ही अपने छोटे छोटे बच्चों को हर चीज़ दिखाकर उनको खेल खेल में सिखाते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक उन्हें याद रहेंगी। और फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, अक्सर छोटे छोटे बच्चे हमारे चीज़ों को क्रैम करते हैं। क्रैम करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो भी हम लर्न करते हैं वो सब हमारा टेम्प्रेरी मेमोरी में जाता है। सो फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि बच्चा ऐसा सीखे और ऐसा लर्न करे ताकि वो उसकी हर चीज़ परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा यही मोटिव रहता है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है कि मैं अपने बच्चों को विजुलाइज़ करके हर चीज़ दिखाकर उनको सिखाऊं। जैसा कि मैंने इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ, दो छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं, वैष्णवी जिसे आप हर वीडियो में देखते हैं, और एक छोटा सा बच्चा और है जिसका नाम है रुद्रांश, वो है सेकंड क्लास के। लेकिन जो वैष्णवी हैं, आप उनकी वीडियो देखिएगा कि आपने देखा होगा कितनी छोटी बच्ची, वो LKG की बच्ची है और उसके माइंड पर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं रहता है पढ़ाई के लिए, क्योंकि मैं उसे हर चीज़ खेल खेल में और विजुलाइज़ करके ही सिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ जो मेरे बच्चे हैं इनको मैंने ग्रेन्स नेम और मैंने इनको ड्राई फ्रूट्स नेम लर्न कराए हैं। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो मैं इनको वैसे भी लर्न करा सकती थी ड्राई फ्रूट्स नेम और हमारे ग्रेन्स नेम कि बेटा आप इनको लर्न करके लाना और नेक्स्ट डे मैं इनसे सुन लेती, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो भी चीज़ मैं बच्चों को अपने लर्न कराती हूँ या कुछ भी चीज़ लर्न करने के लिए देती हूँ, इस तरह से मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ। मैं सबसे पहले उन चीज़ों को बच्चों को विजुलाइज़ कराती हूँ और खेल खेल में उन चीज़ों को सिखाती हूँ, लर्न कराती हूँ, ताकि वो उन चीज़ों को हमेशा पहचान सकें कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं या इसका मीनिंग क्या होता है, और उनकी लाइफ से उस चीज़ को कॉरिलेट करके उन्हें सिखाती हूँ कि इस चीज़ का हमारी लाइफ में क्या यूज़ होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में दिखाया है छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को, जो आपको एक बच्ची ग्रेन्स नेम बताएगी, ग्रेन्स क्या होते हैं और हमारी लाइफ में उनका क्या यूज़ होता है, और एक है हमारे दूसरे बच्चे जिनका नाम है रुद्रांश, वो बताएंगे ड्राई फ्रूट्स कि ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं और उनका हमारी लाइफ में क्या यूज़ होता है। चलिए तो अब हम देखते हैं बच्चों के साथ बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें और एक्टिविटी बच्चे कैसे सीख रहे हैं और विदाउट स्ट्रेस लिए बच्चे किस तरह से उनको सीख रहे हैं, और उनकी यदि वो इस तरह से सीखते हैं चीज़ों को स्टार्टिंग से ही तो उनके परमानेंट मेमोरी में कैसे स्टोर होता है। तो चलिए देखते हैं। अब हम देखेंगे वैष्णवी, देखिए कितने सारे ग्रेन्स के साथ बैठी हुई हैं। अब यहाँ पर वैष्णवी आपको सारे ग्रेन्स विजुलाइज करके उनके नेम बताएंगी और उनके बारे में भी बताएंगी। तो आप भी अपने बच्चों को इस तरह से लर्न करा सकते हैं सारे ग्रेन्स दिखाकर, उनको विजुलाइज कराकर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं वैष्णवी से। वैष्णवी आपको सारे ग्रेन्स के नेम डिफाइन करेंगी जैसे उनको खेल खेल में हमने उनको लर्न कराए हैं। तो हेलो बेटा। हेलो मैम। व्हाट्स योर नेम? My name is Vaishnavi. Speak loudly. My name is Vaishnavi. In which class do you study? In NKG class. Very good. Beta, now you are going to tell us about grains name, na? So, beta, what do we say chawal in English? Rice. Speak loudly. Rice. Where is rice here? Rice. आप उठाकर दिखाइए rice को कौन से होते हैं? Rice. Very good. This is rice. Rice का आप क्या करते हैं? खाते हैं। किसके साथ खाते हैं आप rice को? पर्स के साथ। Very good. बेटा, what do we say दाल in English? Pearls. Where is pearls here? Pearls. Very good. This is pearls. Pearls का आप क्या करते हो? खाते हैं। किसके साथ खाते हो? राइस के साथ। राइस कहाँ पर है? वेरी गुड। तो पल्स और राइस को आप क्या करते हैं? खाते हैं। वेरी गुड। बेटा, व्हाट डू वी से गेहूं इन इंग्लिश? वी। वेयर इज वीट? वी। मम्मा वीट का क्या करती हैं? आटा बनाती हैं। वेरी गुड। बेटा, व्हाट डू वी से आटा इन इंग्लिश? फ्लोर। फ्लोर कहाँ पर है यहाँ? फ्लोर। वेरी गुड। बेटा, मम्मा फ्लोर का क्या करती हैं? रोटी बनाती हैं। रोटी आप खाते हो? ओके। बेटा, व्हाट डू वी से सूजी इन इंग्लिश? सेमलीना। सेमलीना। वेरी गुड। वेयर इज सेमलीना? सेमलीना। स्पीक लाउडली। सेमलीना। वेरी गुड। सेमलीना का मम्मा क्या करती हैं?
हलवा बनाती है। वेयर इज हलवा? हलवा देखा है आपने, क्या बनाती है मम्मा? बनाती है। क्या बनाती है मम्मा? हलवा बनाती है। किससे बनाती है हलवा मम्मा? सेमलीना से। ये क्या है? हलवा। वेरी गुड। डू यू टेक हलवा? आप खाते हो हलवा? से यस। यस मैम। वेरी गुड। बेटा व्हाट डू वी से बेसन इन इंग्लिश? ग्राम फ्लोर। स्पीक लाउडली। ग्राम फ्लोर। वेयर इज ग्राम फ्लोर? वेरी गुड। दिस इज ग्राम फ्लोर। ग्राम फ्लोर का मम्मा क्या बनाती हैं? पकौड़ी। डू यू टेक पकौड़ी? आप खाते हो? यस मैम। वेरी गुड। बेटा व्हाट डू वी से राजमा इन इंग्लिश? किडनी बीन। स्पीक लाउडली। किडनी बीन। वेयर इज किडनी बीन्स हियर? वेरी गुड। सो बेटा हाउ टू यूज इट, इसे हम कैसे यूज करते हैं? मम्मा क्या बनाती हैं? मम्मा राजमे को बनाकर किसके साथ देती हैं आपको? राइस के साथ। तो आप राइस के साथ क्या खाते हैं? राजमा। वेरी गुड। बेटा व्हाट डू वी से चना इन इंग्लिश? ग्राम। स्पीक लाउडली। ग्राम। वेयर इज ग्राम्स हियर? ग्राम। वेरी गुड। वेयर इज व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? चने। चने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्राम। वेरी गुड। चने का आप क्या करते हो? खाते हैं खाली। वेरी गुड। बेटा व्हाट डू वी से मक्का इन इंग्लिश? कॉर्न। स्पीक लाउडली। कॉर्न। वेयर इज कॉर्न? कॉर्न। वेरी गुड। बेटा कॉर्न का आप क्या करते हो? खाते हैं। क्या बनता है कॉर्न से? पॉपकॉर्न। वेरी गुड। बेटा व्हाट डू वी से कूटू का आटा इन इंग्लिश? बफलो। वेयर इज बकफ्लोर? बफलो। वेरी गुड। मम्मा बकफ्लोर का क्या बनाती हैं? पकौड़ियों पराठे। कब बनाती हैं? जब उसका फास्ट होता है। वेरी गुड। सो फ्रेंड्स आपने देखा वैष्णवी ने किस तरह से सारे ग्रेन्स नेम को बहुत ही अच्छे से विजुलाइज करके आपको दिखाया है, और आपने देखा छोटी सी बच्ची एलकेजी में उनको सारे ग्रेन्स नेम इनके लर्न हो चुके हैं, उनके बारे में उनको पता है इसको क्या बोलते हैं। अब देखिए मैं जल्दी जल्दी आपको एक बार दिखा देती हूँ उसको किस तरह से कन्फ्यूज़ करके, जैसे कि वो यदि कन्फ्यूज़ होगी कि हम देखना चाहते हैं कि कन्फ्यूज़ होने के बाद वो बोल पाती हैं या नहीं। तो इतने सारे ग्रेन्स रखे हुए हैं यहाँ पर, मैं उनसे बारी बारी एक एक करके पूछूंगी और देखते हैं वो बताती हैं या नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बेटा व्हाट इज दिस? राइस। व्हाट इज दिस? चावल। राइस। राइस को इंग्लिश में, सॉरी, व्हाट इज दिस? राइस। राइस को हिंदी में क्या कहते हैं? चावल। बेटा व्हाट इज दिस? पल्स। पल्स मींस दाल। व्हाट इज दिस? गेहूं। गेहूं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीट। वेरी गुड। बेटा व्हाट इज दिस? फ्लोर। फ्लोर मींस आटा। फ्लोर मींस आटा। बेटा व्हाट इज दिस? सेमलीना। सेमलीना मींस सूजी। वेरी गुड। बेटा व्हाट इज दिस? ग्राम फ्लोर। ग्राम फ्लोर मींस बेसन। वेरी गुड। बेटा व्हाट इज दिस? किडनी बीन। किडनी बीन्स मींस राजमा। वेरी गुड। बेटा व्हाट इज दिस? ग्राम्स। ग्राम्स मींस चने। बेटा व्हाट इज दिस? कॉर्न। कॉर्न मींस मक्का। वेरी गुड। बेटा व्हाट इज दिस? बफलो। बकफ्लोर मींस कूटू का आटा। वेरी गुड। सो फ्रेंड्स आपने देखा कितनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची है जिन्होंने सारे ग्रेन्स को विजुलाइज करके बताया है आप सभी को। यदि आपको वीडियो फ्रेंड्स रियली में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस छोटी सी बच्ची को अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट में ज़रूर बताइए, और फ्रेंड्स आप भी अपने बच्चों को इस तरह से विजुलाइज करके ऐसे ही सारी चीज़ों को लर्न करा सकते हैं। देखिए बच्चों को मैंने कन्फ्यूज़ करने के लिए सारे ग्रेन्स रखे हुए हैं, और फिर पहले मैंने एक बार पूछा आप सभी के सामने, फिर उसके बाद उसको कन्फ्यूज़ करने के लिए दोबारा उसके आपके सामने सारे ग्रेन्स के नेम को कंफर्म किया। तो देखिए फ्रेंड्स आप खुद देख सकते हैं छोटी सी बच्ची ने सारे ग्रेन्स के नेम बहुत ही अच्छे से विजुलाइज करके लर्न किए हैं, और सारे अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन भी किए हैं, और उन्होंने इनके यूजेस भी बताए हैं कि उनकी मम्मा
इनके कैसे यूज़ करती हैं, इनका हमारी लाइफ में क्या यूज़ होता है। तो मैंने फ्रेंड्स सब कुछ बच्चे की लाइफ से कोरिलेट करके उनको बहुत अच्छे से सारे ग्रेन्स नेम लर्न कराए हैं और सारे यूजेस भी बताए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स रुद्रांश से। अब हम मिलते हैं रुद्रांश से। रुद्रांश कितने सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ बैठे हुए हैं, आज आपको रुद्रांश बताएंगे सारे ड्राई फ्रूट्स के नेम इंग्लिश में। और जो भी रुद्रांश ने सारे ड्राई फ्रूट्स को इंग्लिश में खेल खेल में लर्न किया है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने रुद्रांश को बहुत सारे ड्राई फ्रूट जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, जो भी हमारे बच्चे खाते हैं, हम यूज़ करते हैं घर में डेली, तो मैंने इन सारे ड्राई फ्रूट्स को बच्चों को बहुत ही खेल खेल में विजुलाइज करके लर्न कराए हैं। अब आप रुद्रांश से मिलिए और रुद्रांश आपको दिखाएंगे सारे ड्राई फ्रूट्स और उनके नेम भी बताएंगे साथ में और उनके बेनिफिट्स भी बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं रुद्रांश से। हेलो बेटा। हेलो मैम। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज रुद्रांश गुप्ता। वेरी गुड बेटा रुद्रांश, नाउ वी आर गोइंग टू टेल अबाउट ड्राई फ्रूट्स नेम। सो ओके वन बाय वन यू विल टेल। सो बेटा व्हाट डू वी से अखरोट इन इंग्लिश? वॉलनट। वेरी गुड बेटा, वॉलनट हम क्यों खाते हैं? वो हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छा रहता है। वेरी गुड बेटा, व्हाट डू वी से काजू इन इंग्लिश? कैश्यू। वेयर इज कैश्यू? वेरी गुड बेटा, व्हाट डू वी से बादाम इन इंग्लिश? आमंड्स। वेरी गुड बेटा, व्हाट डू वी से छुआरा इन इंग्लिश? ड्राइड डेट। वेरी गुड बेटा, व्हाट डू वी से छुआरा इन इंग्लिश? ड्राइड डेट। वेयर इज ड्राइड डेट? वेरी गुड, दिस इज ड्राइड डेट। वेरी गुड बेटा, व्हाट डू वी से चिरौंजी इन इंग्लिश? कडबनट्स। वेरी गुड बेटा, व्हाट डू वी से मुनक्का इन इंग्लिश? सैफ्रॉन। बेटा मुनक्का करंट एंड प्रून। वेरी गुड बेटा, व्हाई डू वी टेक करंट एंड प्रून्स? हम क्यों खाते हैं मुनक्के को? उससे हमारा पेट बहुत अच्छा रहता है। वेरी गुड बेटा, व्हाट डू वी से केसर इन इंग्लिश? सैफ्रॉन। वेरी गुड बेटा, व्हाट डू वी से पिस्ता इन इंग्लिश? पिस्टेशियो। वेरी गुड बेटा, व्हाट डू वी से किशमिश इन इंग्लिश? रेजिन। वेरी गुड, हम किशमिश का क्या करते हैं? खाते हैं। और क्या करते हैं हम किशमिश का? हलवे और खीर में भी डालते हैं जिससे कि वो कैसी हो जाए? टेस्टी लगे। वेरी गुड बेटा, व्हाट डू वी से मखाना इन इंग्लिश? फॉक्सनट। वेरी गुड, यू नो हम फॉक्सनट को हम क्यों खाते हैं? मैम नो नहीं पता आपको, मैं बताती हूँ। इट इज़ अ सोर्स ऑफ कैल्शियम। ये किसका सोर्स होता है? कैल्शियम। इससे बहुत सारा हमें कैल्शियम मिलता है। ओके बेटा, व्हाट डू वी से सूखा नारियल इन इंग्लिश? ड्राई कोकोनट। ड्राई कोकोनट। वेरी गुड बेटा, व्हाई डू वी यूज ड्राई कोकोनट इन आवर लाइफ? हम उन्हें स्वीट्स में डालते हैं और हलवे में भी डालते हैं और खीरों में भी डालते हैं। वेरी वो टेस्टी लगे। वेरी गुड बेटा, व्हाट डू वी से खुमानी इन इंग्लिश? एप्रिकॉट। वेरी गुड बेटा, व्हाट डू वी से अंजीर इन इंग्लिश? फिग। वेरी गुड बेटा, व्हाई डू वी टेक फिग इन आवर लाइफ? हम अंजीर को क्यों खाते हैं, फिग को हम क्यों खाते हैं? जिससे हमारा पेट हेल्दी रहे और हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहे। वेरी गुड, देखा फ्रेंड्स आपने, हमारे रुद्रांश बेटा ने इतना छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा जिसे बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहता है, चीज़ों को सीखने का बहुत ही इंटरेस्ट लेता है, उसने सारे ड्राई फ्रूट्स के नेम बताए हैं। देखिए फ्रेंड्स ये 12 ड्राई फ्रूट्स के नेम रुद्रांश को लर्न हो चुके हैं। अब चलिए एक बार हम उसे कन्फ्यूज़ करने के लिए स्टार्टिंग से पूछ लेते हैं कि वो कन्फ्यूज़ होकर बताते हैं या नहीं। तो स्टार्टिंग से हम पूछते हैं रुद्रांश से सारे ड्राई फ्रूट्स के नेम। बेटा व्हाट इज़ दिस? वॉलनट। वॉलनट को हिंदी में क्या कहते हैं? अखरोट। वेरी गुड बेटा, व्हाट इज दिस? कैश्यू। उठाना नहीं है। व्हाट इज दिस? कैश्यू। कैश्यू मींस काजू। व्हाट इज दिस? आमंड्स। आमंड्स मींस बादाम। स्पीक लाउडली। बादाम। व्हाट इज दिस?
राइडेट। इधर हाथ लगा के बताओ, व्हाट इज दिस? राइडेट। राइडेट मींस छुआरा। व्हाट इज दिस? चिरौंजी। चिरौंजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कडपानर। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? मुनक्का। मुनक्के को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रून्स एंड करंट। वेरी गुड। व्हाट इज दिस? सैफ्रॉन। सैफ्रॉन को हिंदी में क्या कहते हैं? केसर। वेरी गुड। व्हाट इज दिस? पिस्टेशियो। वेरी गुड। पिस्टेशियो मींस पिस्ता। वेरी गुड। व्हाट इज दिस? किशमिश। किशमिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेजिन। वेरी गुड। व्हाट इज दिस? फॉक्सनट। फॉक्सनट को हिंदी में क्या कहते हैं? खाना। व्हाट इज दिस? ड्राई कोकोनट। ड्राई कोकोनट मींस सूखा नारियल। व्हाट इज दिस? खुमानी। खुमानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एप्रिकॉट। व्हाट इज दिस? फिग। फिग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? अंजीर। वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, आपने देखा हमारे छोटे से प्यारे से बच्चे ने, रुद्रांश ने, सारे ड्राई फ्रूट्स को कितने अच्छे से विजुलाइज करके आपको दिखाया है, सारे नाम्स बताए हैं उनके, बहुत अच्छे से उनके यूजेस भी बताए हैं, कितने अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया है, कितने अच्छे से उन्होंने लर्न किया है। जितने सारे ये ड्राई फ्रूट्स यहाँ नज़र आ रहे हैं, आप सभी देख पा रहे हैं, इन सभी ड्राई फ्रूट्स के नाम रुद्रांश ने विजुलाइज करके लर्न किए हैं मेरे साथ, बहुत अच्छे से इन्होंने लर्न कर लिए हैं। अब ये सारे ड्राई फ्रूट्स के नेम इनको लर्न हो चुके हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप भी चाहते हैं आपके बच्चे इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स के नेम लर्न करें, तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप भी इसी तरह से अपने बच्चों को घर पर बैठकर धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी एक्टिविटी के साथ इनको लर्न करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपको दोनों बच्चों का, वैष्णवी और रुद्रांश, प्यारे प्यारे दोनों बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा लगा, आपको यदि ज़रा सा भी अच्छा लगा हमारा वीडियो, तो प्लीज़ इनको मोटिवेट करने के लिए कमेंट में ज़रूर बताइए। सो फ्रेंड्स, वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू।